मैं कराची जाना चाहती हूँ। ये सब्जी जाकर छोड़। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ऐसे एक बात बताओ, इसकी कहीं बात पक्की हुई है? नहीं, फिलहाल तो कहीं भी नहीं। हाल पता है इसकी माँ ने यही सोचकर यहाँ भेजा है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी बात पक्की कर दो और फिर उसे इतला कर। हरकतों से बाज आ जाओ, इन हरकतों से बाज आ जाओ। अपनी बाज आ जाओ इन हरकतों से, बाज तो तुम आ जाओ अपनी हरकतों से, वरना मुझे तुम्हारा इलाज करना आता है। बेटा तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं तो बस भाई, तुमने उसे देख लिया, उसने तुम्हें देख लिया, उसे भी तुम पसंद हो और उसके घर वालों को भी। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरे पास दूसरी कोई मुलाजमा नहीं है, कैसे छुट्टी दे दूं तुम्हें? बाजी वो मेरा एक ही तो मामा था और वो भी फौत हो गया। अभी अभी फोन आया मेरी अम्मा का, रात की गाड़ी पकड़नी है मैंने। और मेरे घर का क्या होगा, कौन करेगा मेरे घर के काम? वो मैंने अपनी दरानी को बोल दिया है, वो सुबह 12 बजे आके सारे काम करके चली जाएगी। 12 बजे नाश्ता कौन बनाएगा? बाजी वो सुबह कहीं और काम करती है ना, तो सुबह नहीं आ सकती। बाजी अब मैं जाऊं? हाँ तो जाओ, वैसे भी कौन सा मेरे रुकने से रुक रही हो तुम? बाजी वो अगर तनख्वाह एडवांस में मिल जाती तो। मैं नहीं दे रही कोई पैसे, जाओ जाके साहब जी से लो, उमेर के पास जाओ। बस गांव जाने का बहाना चाहिए, कभी कोई मर गया कभी कोई मर गया। यार वो गुलशन आई थी, वो कह रही है वो छुट्टी पे जा रही है और तुमने छुट्टी दे भी दी है उसको। तो क्या करती, अगर छुट्टी नहीं देती तो वो काम छोड़ के चली जाती, देनी पड़ी मुझे छुट्टी। इसका भी ये हर वक्त का ड्रामा है, काम करे नहीं करे इनको तनख्वाह पूरी दे दो बस। अच्छा उठो यार, एक कप चाय बना दो मुझे। मिल गई तुम्हें फ्रीकी मासी। उमेर तुम जानते हो ना मैं किचन में नहीं खड़ी हो सकती हूँ चूल्हे के आगे, मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है। तो क्या करूँ, पड़ोसी से बोल दूं? जब देखो मेरे पीछे पड़ जाते हो, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हो। एक चाय बनाने में मौत आ जानी थी इसको। शादी से पहले मुझे एक बार उमेर से मीटिंग जरूर करनी चाहिए। I mean, क्या शानदार जिंदगी है उसकी। एक काम करता हूँ, कल फुर्सत से उसके ऑफिस जाकर बात करता हूँ। आइडियल वाइफ साबित हो पाऊंगी? मैं कौन करती हूँ? मैं महेश को कॉल करती हूँ, कितनी आइडियल जिंदगी है उनकी। तुम बहुत रात हो गई। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, कल जाके उससे मिलती भी हूँ और जाके सारी बात भी। बज रहा है या तो मैं क्या करूं? क्यों बंद करो ना यार, तुम्हारे साइड पे रखा है, तुम अलार्म बंद नहीं कर सकती। उठो मुझे नाश्ता बना दो, आज मुझे जल्दी जाना। नहीं तुम ऑफिस जाके कर लेना, मैं तो भी और सोऊंगी। मैंने इसलिए शादी नहीं की है कि मैं रोज दफ्तर जाके नाश्ता करूं। जल्दी से उठो मुझे नाश्ता बना के दो यार।
आगे सुबह सुबह अपनी औकात पे। किस किताब में लिखा हुआ है कि बीवियों का फर्ज होता है वो सुबह उठ के अपने शौहरों के लिए नाश्ते बनाए, अपनी नींद हराम कर दें। अब सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब नहीं करो, तुम तुम्हारा फर्ज है शौहर की खिदमत करना। तो शौहरों का भी फर्ज होता है कि वो बीवियों को अपनी हद दर्जा आराम पहुंचाए। अगर गुलशन छुट्टी पे चली गई है तो दूसरी मासी रख ले। मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। सो जा, सो जा। गुलशन से ही शादी कर लेता हूं मैं, खाने को तो मिलेगा। सुबह कैसे याद कर लिया? सुबह ही सुबह मैडम, एक बज रहा है दिन का। क्या एक बज रहा है? पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ कराची कब आ रही हो? हाँ नैविश, मैं कराची में ही हूँ, अपनी खाला के घर रुकी हुई हूँ। असल में मेरा ना रिश्ता तय हो गया है और अगले ही हफ्ते मेरी शादी है। तू तो बड़ी छुपी रस्ता निकली। हाँ छुपके छुपके अचानक? अरे नहीं यार, कंप्लीट अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ मशवरे चाहिए। मोस्ट वेलकम मेरी जान, जब भी आना हो बस मेरे दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं शाम को ही घर आती हूँ। खुदा हाफिज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखो। करते हैं वो तुमसे? मैं भी कुछ कम प्यार नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि ढील नहीं देती हूँ उन्हें, कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी गलती पे भी उससे माफी मांगो। हैं? लुक, I'm happy। सही कह रहा है। पर वैसे भी माशाल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी तो मिसाली है। दो चार हिंट्स और गाइडलाइन जो भी दे देना। चला, मैं चला। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है, कहाँ हो? अरे आई एम तो परफेक्टली फाइन, बस तुझे एक खुशखबरी सुनानी है। तेरी शादी तय पा गई है ना? बस इतना ही है ना? अरे वाह यार, तो बड़ा स्मार्ट है, बताया भी नहीं और गेस भी कर लिया। चल मैं शाम को तेरे घर आता। घर सुबह ही मुमारी हुई है, अगर ये घर आ गया तो कहीं इसके सामने ही औकात ना दिखा दे। अरे क्या हो गया, घर नहीं बुलाना चाहता? मैं सोच रहा था जरा तेरे से भी कुछ मशवरा कर लूंगा। अरे नहीं नहीं यार, वो तेरी भाभी मायके गई है ना, और आज मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, कल अपने रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। अरे हाँ तो नो प्रॉब्लम, डन, शाम में मिलता। ओके ओके बाय बाय। रश्क आता है मुझे तुम पर।
कितनी मिसाली जोड़ी है ना तुम्हारी और उमेर भाई की, बहुत प्यार करते हैं वो तुमसे। अभी कुछ कम प्यार नहीं करती हूँ। हाँ ये है कि ढील नहीं देती हूँ उन्हें, कंट्रोल में रखा हुआ है। उसकी गलती पे भी उससे माफी मांगो। हैं? Look, I'm happy. सही कह रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह तेरी शादीशुदा जिंदगी तो मिसाली है। दो चार हिंट्स और गाइडलाइन जो भी दे देना। उमेर एक मिसाली शौहर है, मेरी हर गलती को हंस कर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ मैं भी कोशिश करती हूँ उन्हें कम से कम शिकायत का मौका दूँ, इसी तरह तो मैंने उसे मुट्ठी में किया है। महवेश मुझे भी बताओ ना, मैं ऐसा क्या करूँ कि आफाक के दिल में घर कर लूँ, ऐसा क्या करूँ कि वो मेरे असीर हो जाए। हर चोर जाता है कि उसकी बीवी उसका ज्यादा से ज्यादा बोझ बांट ले, जैसे वो थका हारा ऑफिस से घर आए तो उसे हर चीज तैयार मिले, साफ सुथरा घर, सजी बनी बीवी, और अगर बीवी बाहर के भी कुछ काम कर ले तो क्या ही कहने, जैसे यूटिलिटी बिल्स, और अगर घर में कोई रिपेयरिंग का काम हो तो मिस्त्री को बुलवाए और वो करवा दे। और शौहर जितना इन बकेरों से दूर रहेगा उसे बीवी उतनी ही प्यारी लगेगी और रोब में भी रहेगा। उमेर मुझसे यही डिमांड करता है कि घर और बाहर दोनों के काम करूं, तो यकीनन हर मर्द ऐसा ही सोचता होगा। अगर बीवी को ताबेदार रखना है ना तो पहले खुद ताबेदार हो जाए। तुझे क्या लगता है माई हमेशा से ही ऐसी है? उसका शुरू में गुस्सा इतना जुनूनी था ना बॉस, लेकिन कभी दिल पे नहीं लगाया ना। माई को देखा है तुमने, आवाज सुनिए उसकी। मेरा सबर है जो शुरू में उसे बर्दाश्त कर दो, हर वक्त चैं-चैं टैं-टैं कान मेरे पक जाते थे, लेकिन फिर भी उसकी गलती पे मैंने माफी मांगी। मैंने मेरे दोस्त, और तू जानता है मेरा गुस्सा कितना खराब, फिर भी कभी कुछ नहीं बोला शुरू में मैंने उसे। अगर बीवी को खुश रखना चाहता है ना तो जब घर में उसके लिए खाने पका, उसको किचन में ना जाने दे, उसके सारे काम कर दे, शहजादी बना दे शहजादी, बिठा दे बिस्तर पे, फिर देख कैसी भीगी बिल्ली बन के ना तेरे आगे पीछे घूमेगी। देख माही को, चूं नहीं निकलती उसकी, चूं। अब इसे क्या बताऊं मेरी बीवी कितनी फुहड़, हो सकता है इसकी बीवी भी ऐसी हो। तो अच्छा ये घर के काम करने लगे तो वो खुश रहेगी। अच्छा सुनो, अगले संडे मेरी शादी है और तुमने जरूर आना है। अगले संडे तो मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम इस्लामाबाद से वापस आओ तो तुम मेरे घर जरूर आओगी। आओगी? Sure, I'm really sorry. मैं जरूर आऊंगी। सुन, शादी में तो आ रहा है ना तू? नहीं यार, वो इस्लामाबाद जा रहा हूँ ना, माही के अंकल की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन अगर टाइम निकला ना तो जरूर आऊंगा यार। एहसान होगा भाई। वो छोड़, जो मैंने बोला वो समझ आई कि नहीं आई तुझे? हाथ के नीचे कर ले, हाथ के नीचे नीचे तो बात है बस। याद है जब उस दिन पहली बार मुलाकात थी और पहले ही मुलाकात में आपने चाय गिरा दी मेरे हाथ? उफ, आपको अभी तक याद है? कैसे भूल सकता, हमारी वो पहली मुलाकात तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। कभी सोच नहीं सकता था कि इतना खुशनसीब हूँ
कि जिस लड़की को पहली मुलाकात में ही अपना दिल दे बैठा वो जिंदगी भर के लिए मेरी हो जाएगी, मेरी दुख सुख की साथी बन जाएगी। खुदा वाकई बड़ा मेहरबान है मुझे। मैंने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा। मैं भी खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपको मेरी जिंदगी में अता किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके हर सुख और हर दुख में आपके साथ रहूंगी। ये रहे पराठे और ये रहा ब्रेड। तुम नाश्ता शुरू करो ना। अरे 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 मेरे होते हुए तुम्हें कोई छोटा सा काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे घर के काम आप करते हैं, कोई काम तो मुझे भी करने दो। क्यों नहीं ना, मेरी दुल्हन को वैसे भी कोई काम नहीं करना चाहिए। 15 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। 15 साल भी हो जाएंगे तब भी यहाँ सब कुछ ऐसा ही रहने वाला है। मैंने तो हमेशा से सोच के रखा था मेरी जिंदगी में जो भी लड़की मेरी बीवी बन के आएगी उसकी जिंदगी किसी शहजादी से कम नहीं होगी। वो शहजादी जो होती है ना वो अपना काम खुद नहीं करती। ये दो आपको। आपको मैं खुद ले लूं। मैं Thank you. There you go. Thank you. Thank you. आप मुझे किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने दे रहे। कैसे साबित करूं कि मैं एक आइडियल बीवी हूं? क्या करूं क्या करूं आखिर क्या करूं? गॉड ये कैसे जाएगा? कब तक तैयार होगी तुम? 1 घंटे से शीशे के आगे ये कर रही हो, इससे अच्छी नहीं लग सकती। फ्रिज में कुछ फ्रोजन खाने पड़े हुए,
निकालो, मैं गरम करती हूँ। आज मैं लंच पे आया था, सोचा था तुम खाना बनाओगी, मुझे खाना खिलाओगी। जितनी तुम्हारी जबान चलती, अगर हाथ चले ना तो मैं भूखा नहीं मरूं। बीवी हो कोई तो बीवी वाला काम करो, वरना फेंक के आऊं तुम्हें तुम्हारे बाप के घर में। तुम क्या फेंक कर आओगे मुझे, तुम खुद मेरे बाप के टुकड़ों पे पल रहे हो। और वैसे भी जब से गुलशन गई है तुमने तो मुझे बावर्चन समझ लिया, बस चाहते हो किचन में घुसी रहूं, तुम्हारे लिए खाने बनाती रहूं। पता है मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। नहीं जी 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 जी, तो बस करो फिर तैयारी, करो मेकअप, मलका हुस्न बनना है, करो करो और मेकअप करो। तुमसे मतलब, पहले तो मैं जा रही थी किचन में तुम्हारे लिए खाना गर्म करने, अब तो मैं वो भी नहीं जाऊंगी, जो करना है करो। चलो अच्छा बात सुनो, बाहर से कुछ मंगा लेते। ओके, ख्याल कैसे आया? अब कुछ खाना तो है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं। देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही हैं वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वही घर का काम कर दें सारा, मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूँ, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूँ हमारी लड़ाई में। कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जरा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूँ, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूँ। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? चला ऐसा करती हूँ कि मैं विश को कॉल करती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। इतनी देर से कॉल कर रही हूँ तुम्हें? यार आज मेरा और अमेरिका ना लंच का प्रोग्राम था, तो उसे सी ऑफ करने गई थी, उसका तो दिल ही नहीं था मुझे छोड़ने को। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं इतनी सारी चीजें कहाँ रखते हैं, कहाँ ढूंढूं बिल। बस बेटा, हमेशा से यही चाहती थी कि अपने बेटे के पास जाऊं, आखिरकार उसने मुझे बुला लिया है, मेरा वीजा लग गया है ना। अरे वाह माशाल्लाह, तो आना कब होगा? पता नहीं कब वापस आने देगा, पहली बार जा रही हूँ ना उसके पास। आंटी ये तो बहुत ही खुशी की खबर है, इतनी तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, अभी खाना खा के आई थी मैं। कोई तकल्लुफ नहीं, और वैसे भी ये तो सिर्फ चाय है, कुछ नहीं है, खाने के बाद ही पी रहे। बताइए चीनी कितना? एक चम्मच। आपको पता है आज आप आई हैं तो इसी वजह से कुछ जाके कुछ तो काम कर सकें किचन में, आप ये तो किचन के ना आने देते हैं, और कोई काम कर लो तो
थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही मैं कोई क्लोज किचन में चला जाता हूँ खाना बनाने के लिए, बस कभी कभी ऐसे दिल करता है तो, और मुझे लगता है कि दिल करे तो कर लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, साथ चलना चाहिए। और बेटा एक अच्छी जिंदगी गुजारने का राज तो यही है ना कि दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को बांटें। खाला ने भी वही बात की है जो महवेश ने मुझे समझाई थी, इसका मतलब मैं सही कर रही हूँ। तुम लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? चाय नहीं अभी नहीं, मैंने बनाया। अच्छा देख, आ गई तुम, कब से वेट कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी? वो मैं जरा मार्केट तक गई थी। पता है अब आ गई हो ना, हाथ मुंह धो के जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक सी डिश बनाई है, फिर खाना खाते। लेकिन आपने ये सब कुछ क्यों किया? ये तो मेरा काम है ना। तुम्हारे और मेरे रिश्ते में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है, जो भी है ना हमारा है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। और मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करके खुशी होती है। ये सब क्या लेके आ गई? मार्केट गई थी तो सोचा थोड़ा सौदा सा ले आऊं, शायद इसी तरीके से आपका हाथ बटा लूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है। अभी अभी आपने कहा था कि हमारे इस रिश्ते में आपका और मेरा कुछ नहीं है, जो है वो हमारा है। How are you, brother? I'm good, man. इतनी दोस्ती कैसे है? ठीक, तू यहाँ कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस एक मीटिंग के लिए आया था यार। I'm gonna just rush into the other one. मीटिंग बहुत मीटिंग करता है तू यार, मैं अच्छी तरह जानता हूँ सारी तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। बस कर यार। भाभी आप कैसी हैं? मैं भी शुक्र भाई, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? शादी को कितना अर्सा हो गया लेकिन ना ही आपने हमारी दावत की और ना ही हमारे घर आए। सांसें क्या भर रहा है? भाभी आपका घर है, जब आप चाहें तब आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम तभी आएंगे जब आप प्रॉपरली हमें इनवाइट करेंगे, ऐसे मुंह उठा के नहीं आएंगे हम। और फिर भाभी बहुत कमाल का खाना बनाती हैं, जब देखो तो तारीफें करता रहता है, वो भी तो खाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर उस उल्लू की पट्टी को खाना पकाना आता तो मसला ही किस बात का था। क्या हुआ, कहाँ देख रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, आजकल माही की तबीयत थोड़ी खराब है, जैसे ही वो फिट होती है सबसे पहली इनवाइट तुम लोगों को आती है। सब खैरियत है ना? सब अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी तबीयत खराब है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ यार। I'll catch with you guys again. Good to see you. भाभी को मीटर से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। Take care man. चलें? बिल्कुल। खाएंगे क्या? बहुत भूख लग रही है। अभी आ रहे हो तुम? हाँ? टाइम देखा है तुमने? डिनर का प्लान था ना हमारा? कमाल हो, मतलब कब डिनर का प्लान नहीं होता? जब से गुलशन गई है घर में बना क्या है, रोज तो बाहर डिनर है, और एक दिन मैं लेट हो गया तो क्या ऐसी आफत आ गई? तुम ऐसे मुझे घूर रही हो जैसे पता नहीं कौन सी कयामत टूट गई। क्यों आज तुम्हारी फिल्में ड्रामे नहीं आ रहे टीवी पे? ओह रियली? तो मेरा प्लान था, तुम ही ने प्रोग्राम बनाया था, समझ में आई? मेरे दोस्तों की बीवियों को देखो, दिन रात उनकी खिदमतें करती हैं, देखा है औरतों को बाहर किस तरह अपने शौहरों की खिदमत कर रही है वो, और एक तुम हो। तो बुला लो ना अपने माँ बहनों को, वही घर का काम कर दे सारा, मेरा भी मसला सॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा भी। तुम्हें 10,000 दफा समझा चुका हूँ, मेरे घर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हारे बाप का नाम लेता हूं हमारी लड़ाई में। आज के बाद अगर मेरी माँ बहनों का नाम लिया ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ में आई तुम्हें? हर वक्त बस रोजाना का ड्रामा। आफाक, ये सब क्या है? रोज रोज ऐसे ही करते हैं आप, मुझे किचन में क्यों नहीं आने देते? थोड़ा सा काम कर लूंगी तो क्या हो जाएगा? रोज रोज फिर वही। अरे लो, मैं आ गया। अरे तुम बैठो, खड़ी क्यों? बैठो। खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। देखो क्या फैंटास्टिक चिकन कढ़ाई बनाई है मैंने। देखो चीख चीख कर कह रही है कि खा जाओ। मुझे नहीं खानी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है आपका रोज रोज। अरे इसलिए नहीं बनाया, वो मैं घर पे जब आया तो तुम थी नहीं, मैं जानता भी नहीं था कहाँ हो, कब वापस आओगे। तो बहुत जोर की भूख लगी थी मुझे, इसीलिए मैंने खाना बना लिया। सॉरी। तुम रोज रोज चली कहाँ जाती हो? वो कुछ सामान खत्म हो गया था ना, बस वही लेने गई थी। लेकिन सामान तो मैं सारा लेके आया था ना संडे को। हाँ तो उसमें से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा यूं बाहर जाना ना अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ऐसा काम हुआ करे तो मुझे बता दिया करो। तो आपका रोज रोज खाना पकाना मुझे कौन सा अच्छा लगता? मुझे बता दिया करो। मिल गया। Really tired. क्या बात है, आज तो आप मुस्कुरा रही हैं। ऐसा करते हैं, आज ऑफिस कैंसल। क्यों? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आज ऑफिस कैंसल और मैं अपनी बीवी की खिदमत करूंगा। आज अपने हाथों से खाना बनाऊंगा, अपने हाथों से खिलाऊंगा और उसके बाद मूवी पे जाएंगे। इतना प्यार क्यों? क्योंकि आज तुम हंस रही हो और जो बहुत कम होता है। अच्छा खाने में क्या बनाओगे? Something oily and spicy. No, no spices, no oil. Oil free खाना खाना मुझे। Oil free is so boring. No, मैं मोटी हो रही हूँ, तुम्हें पता है ना। किधर? You need थोड़ा no, सा। No, but something oil free. आज ही घर पे छोड़नी थी चाबी। करो यार। अरे आप आ गए। कहाँ रह गई थी यार, कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं जरा पहले कारपेंटर के पास गई और फिर मैंने कहा बिल भी पे कर दूँ, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा ड्यू डेट से पहले ही बिल पे कर दूँ। तुम क्यों कारपेंटर के पास गई थी? वैसे भी वहाँ पे खवातीन, लेकिन और मैं चला जाता ना, मुझसे एक बार कह के तो देखा करो। ठीक है प्लीज ऐसे शोर नहीं करें, आप बाहर क्यों खड़े, अंदर चले ना। पहली बार चाबी अंदर भूल गया सुबह में। बोलो मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बनाया?
खाना तो भूल गए। अच्छा चलो, तुम भी थक गई होगी, मैं ही कुछ बना लूंगा। चलो ना यार, जल्दी करो। तो आप भी तो थक गए होंगे। कोई बात नहीं। कैसी हो? ठीक हो? क्या कर रही हो? यार अभी अभी बस यूटिलिटी बिल्स जमा कराए मैंने और खाना पकाया था घर में। बस अभी भी फारिग हुई हूँ, सोच रही हूँ बाहर चली जाऊँ। और बताओ कैसे कॉल की? मैं भी, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्यों फरवा, क्या हुआ? पता नहीं, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे आफाक एक भी कोई घर का काम नहीं करने देते, और अगर मैं बाहर के जाके कोई काम कर लूं तो वो भी बुरा लगता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि कुकिंग भी नहीं करने देते, वो भी खुद ही कर लेते हैं। फरवा यार, ये तो वाकई प्रॉब्लम की बात है। जब शौहर कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाने लग जाए ना, तो इसका मतलब है उसके दिल में वाकई में कोई चोर है। क्या मतलब? अरे बेवकूफ, मेरा मतलब ये कि आफाक भाई का जरूर किसी के साथ ऑफिस में चक्कर चल रहा होगा। कहाँ थी तुम? आप कह दो कोई जरूरी सामान लेने के लिए, तो मैं रातों को भी बाहर जाना पड़ता है। नहीं, मैं तो बस वो मैं क्या क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं कुछ नहीं जानता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तो झूले झूल रही हूँ। झूले ही तो झूल रही हो, दुनिया की सारी अय्याशी तुम्हारे पास है, और तुम्हें करना ही क्या है? प्लीज मुझसे मत लड़ो। I don't wanna fight. फरवा तो चली गई। चली गई? वो तो आपके लिए गई है। चलो जब वो आए तो ये उससे दे दे। चला, मैं चला।